माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कांटाटोली फ्लाईओवर अभी अभी बनकर तैयार हुआ है, हम सबके सपनों का फ्लाईओवर, हम सबके विकास को आगे बढ़ाता ये फ्लाईओवर, हमारे कदमों की गति को इंगित करता ये फ्लाईओवर, माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगण अब स्वयं इस फ्लाईओवर पर यात्रा कर रहे हैं, स्वयं वहां पर जाकर देख रहे हैं। एक परंपरा, एक जो औपचारिकता होती है, रिबन कटिंग और उसके बाद पहला कदम राज्य के मुखिया, राज्य के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी का इस फ्लाईओवर पर, और उसके बाद ये पूरी तरह से आम जनता को समर्पित, हमारे राजधानी वासियों को समर्पित और राजधानी रांची में झारखंड और अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए समर्पित होगा ये कांटाटोली फ्लाईओवर। विकास की एक नई इबादत लिख रहा है झारखंड, और ऐसे में आप सभी की गरिमामय उपस्थिति है, स्वागत अभिनंदन, और ये ढोल और नगाड़ों की थाप आप सुन रहे होंगे। जी हाँ, हमने बिछाई है आगत अतिथि के अभिनंदन में पलके, जीवंत होती हमारी समृद्ध सी सांस्कृतिक विरासत जो अपने अतिथि गणों का स्वागत कर रही है, कि मन के उज्जवल भावों से हमने सजाया आज चमन, आने वाली देव अतिथि आपका है, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, स्वागत और सम्मान की यही भावनाएं आज पूरी वातावरण में फैल रही हैं, स्वागत और सम्मान की भावनाएं हमारे दिलों में हिलोरे ले रही है, हम आभार व्यक्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने झारखंड की दशा हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उदयपुरी ब्लॉग झारखंड पे। अगर आपने हमारा ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको लिए चलते हैं झारखंड के बहु प्रतीक्षित कांटाटोली फ्लाईओवर का, जो आपने देखा ये आज उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय ने किया, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज शुक्रवार को रांची की कांटाटोली बहु बाजार के बीच नवनिर्मित फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने रोड के कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत सी योजनाओं का भी शिलान्यास किया, लेकिन आज ये 2.24 किलोमीटर लंबा कांटाटोली का फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ, जिसका बहुत समय से इंतजार था यहाँ के लोगों को। यह योजना 2016 में बनी और 2020 में जाकर पूरी हो गई, 22 में इसका काम शुरू हुआ था, 3 सालों के बीच ये बहुत अच्छी योजना बहुत जल्द बनी। और आज उद्घाटन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा खुद ड्राइव कर इस पुल का उद्घाटन किया और जनता को समर्पित किया। बहुत अच्छा यहाँ का ये फ्लाईओवर है, और इसके बाद रांची में जाम की समस्या में तो निश्चित रूप से कमी आएगी। दूसरा उद्घाटन फ्लाईओवर का होने वाला हमारा रातू रोड का, जैसे ही फ्लाईओवर का उद्घाटन होगा हम आपको वहाँ का उद्घाटन के दृश्य भी दिखलाएंगे।